कल्याण के लिए जिस ह्यूमन पोर्टल को केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है, उससे देश की आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। भोपाल में ह्यूमन पोर्टल का क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत हो चुका है। टीकाकरण के लिए बच्चों और गर्भवती माताओं तक पहुँचने वाली भोपाल की आशा कार्यकर्ताओं को इससे काफ़ी सहूलियतें हुई हैं। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से बातचीत में भोपाल की आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब इसका लाभ देश भर की आशा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। पोर्टल यानी कि टीकाकरण करने के एक ऐसे तंत्र को सरकार तैयार कर रही है जो पूरे देश भर में अब लागू होगा। इस यूविन पोर्टल के जरिए जो बच्चे टीकाकरण जिनका होना है उनका पूरा डेटा जो है एक ही पोर्टल पर मौजूद होगा और कहीं भी बैठकर पूरे देश भर की स्थिति को आप देख सकते हैं। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि उसको पूरे देश भर में अब लागू किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसे कहें कि अपने अधिकांश राज्य में उसको लागू कर लिया है। कुछ क्षेत्र अभी भी बचे हैं, लेकिन अब इस सरकार के इस फैसले के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में इसकी सुविधा जो है लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। तमाम आशा कार्यकर्ता हैं जिनका पाला उस यूविन पोर्टल से पड़ता है और ये जानने की कोशिश करते हैं जब यूविन पोर्टल नहीं था तब क्या दिक्कतें थी और अब जब मध्य प्रदेश में तो लागू हो गया है लेकिन जब पूरे देश में होगा तो ऐसे लोग जो टीकाकरण से जुड़े हुए हैं उनको क्या फायदा होगा और देश की जनता को क्या फायदा होगा, ये बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये यूविन पोर्टल और क्या इसकी खासियत खासतौर से। हाँ ये सर, यूविन पोर्टल जो है वो ऑनलाइन मतलब पूरा उस पर रजिस्ट्रेशन रहता है, उसके द्वारा हम 0 से 5 साल तक के बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं जिसके द्वारा पहले टीकाकरण कार्ड की जरूरत पड़ती थी, अब जैसे ही हम हितग्राही का मोबाइल नंबर उस पर डायल करते हैं तो उनका पूरा कार्ड आ जाता है जिससे उसको टीका लगाने में सहूलियत होती है। और गर्भवती महिला के पंजीयन के लिए भी उसकी 4 जाँचें वगैरह चढ़ाने, उसका हीमोग्लोबिन वगैरह सब यूविन पोर्टल पर वो सब हो जाता है सर, उससे हमको बहुत सहूलियत होती है। अब क्या बदलाव आएगा, पहले जैसे जब यूविन पोर्टल नहीं था अब तो मध्य प्रदेश में तो हो गया है, क्या बदलाव आए सर? इससे बदलाव ये आया, अगर किसी भी हितग्राही का कार्ड अगर कहीं गुम जाता है तो मोबाइल नंबर के द्वारा वो मतलब पूरा सर्च हो जाता है, निकल के आ जाता है कि इसको कौन सा टीका लगना है, कब लगना है। सबसे महत्वपूर्ण बात सर, हितग्राही को एक दिन पहले पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को कल आंगनबाड़ी में टीका लगना है, क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो इसमें पूरे ऑल इंडिया में चला जाता है उसमें डाटा, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, अपना वैक्सीनेशन टाइम से करवा सकते हैं। कैसा फैसला है सर? ये फैसला बहुत अच्छा है सर। हम लोग सर्वे करने जाते हैं तो कई हितग्राही ऐसे बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ किराएदार है, हम लोगों का कार्ड गांव में ही रह गया है, तो सर हम नंबर मतलब मोबाइल नंबर से उसका सारा डाटा अपने पास ये कर सकते हैं और वैक्सीन लगा सकते हैं या टीके लगा सकते हैं बच्चों को। आप लोगों के लिए सहूलियत होगी? जी सर, कोई टीका नहीं छूटेगा किसी बच्चे का और समय पे पूरा टीका लगाकरण हो जाएगा। तो अगर यूविन पोर्टल की खास तौर से अगर बात करें तो सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं एक पूरा तंत्र जो टीकाकरण का इस देश में है उसको और सशक्त करने में मील का पत्थर साबित होगा और एक क्लिक के अंदर यानी कि हाथ में एक मोबाइल और एक एप्लीकेशन में पूरा डेटा देश भर में वैक्सीनेशन का इस यूविन पोर्टल के जरिए पूरे देश का एक साथ मौजूद होगा और मध्य प्रदेश तो इस पर बेहतर काम पिछले कुछ समय से पायलट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तब से करता भी आया है। भोपाल से कैमरन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी।